नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। एलन मस्क एक बार फिर से न्यूज़ में है बिटकॉइन को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलन मस्क सीईओ है टेस्ला कंपनी के। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं कि एलन मस्क ने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से फिर से न्यूज़ में आए हुए हैं और कैसे बिटकॉइन के प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है टेस्ला कंपनी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती थी एज अ पेमेंट, बट थोड़े टाइम पहले एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन को अपने पेमेंट मोड से हटा दिया था और अब टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करती है। एलन मस्क ने इसके पीछे रीजन दिया था कि बिटकॉइन माइनिंग एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, यानी कि बिटकॉइन को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद से ही दोस्तों बिटकॉइन और सभी क्रिप्टो करेंसी में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। बट ये देखें, लास्ट नाइट कॉइन टेलीग्राफ ने एक ट्वीट किया है दोस्तों और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, डिड यू सी एलन मस्क इज कैचिंग फ्लैक अगेन बट दिस टाइम इग्निया सीईओ मैग्नावेज का लंबेस्टेड हिम सेइंग व्हाट वी हैव सीन विद बिटकॉइन इज प्राइस मैनिपुलेशन बाय वन वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल। सिग्निया के जिस सीईओ है मैग्नावेज का लंबेस्टेड, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के द्वारा। चलिए इस आर्टिकल के लिंक को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अगर आर्टिकल की हेडलाइन को देखें दोस्तों, सिग्निया सीईओ क्रिटिसाइज एलन मस्क फॉर अलेज्ड बिटकॉइन पंप एंड डंप। सिग्निया के सीईओ है जो मैग्दा, उन्होंने एलन मस्क को क्रिटिसाइज किया बेसिकली बिटकॉइन के प्राइस को पंप और डंप करने के लिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों मैग्दावेज का है कौन। मैग्दावेज का वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन साउथ अफ्रीका एंड सीईओ ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सिग्निया। ये सब उन्होंने कहा है दोस्तों एक इंटरव्यू में ब्रूस विटफील्ड के शो पर। द बिटकॉइन वोलेटिलिटी वी हैव सीन इज एन अनएक्सपेक्टेड फंक्शन ऑफ व्हाट आई वुड कॉल मार्केट मैनिपुलेशन बाय एलन मस्क। इफ दैट हैपन टू अ लिस्टेड कंपनी ही वुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड सेवरली सैंक्शन बाय सिक्योरिटी एससीसी। एलन मस्क ने प्राइस मैनिपुलेशन करके बिटकॉइन में जो वोलेटिलिटी बनाई है, अगर वो किसी लिस्टेड कंपनी के साथ ऐसा करते तो उनको इन्वेस्टिगेट भी किया जाता और उनके ऊपर तरह तरह के सैंक्शन भी लगाए जाते। अकॉर्डिंग टू सिग्निया सीईओ मस्क नोविंगली पंप्ड एट द अकॉर्डिंग टू सिग्निया सीईओ मस्क नोविंगली पंप्ड अप द बिटकॉइन प्राइस by writing tweets including these mentioned Tesla $1.5 billion BTC purchase then sold a big part of his exposure at the peak. Musk's public statement on Bitcoin as well as him reversing Tesla position on accepting the cryptocurrency as a form of payment constitute price manipulation. इसमें उन्होंने कहा एलन मस्क ने बिटकॉइन के फेवर में बार बार ट्वीट करके बिटकॉइन के प्राइस को पंप किया एंड पीक प्राइस पर उन्होंने अपने बिटकॉइंस को सेल कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला से भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कि हम जानते हैं जिसका रीज़न उन्होंने दिया कि बिटकॉइन एक हाईली एनर्जी कंजम्पशन करेंसी है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। लास्ट में उन्होंने कहा, व्हाट वी हैव सीन विद बिटकॉइन इज प्राइस मैनिपुलेशन बाय वन ऑफ द पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के द्वारा। बेसिकली मैग्दा ने इस इंटरव्यू में एलन मस्क को खूब क्रिटिसाइज किया है अपने इस बिहेवियर के लिए और बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेशन करने के लिए। अब जैसे इस आर्टिकल का लिंक कॉइन टेलीग्राफ ने ट्वीट किया तो एलन मस्क कहाँ पीछे रहने वाले थे दोस्तों, उनका भी इस ट्वीट का रिप्लाई आया। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। This is inaccurate. Tesla only sold 10% of holding to confirm BTC could be liquidated easily without moving market. When there is confirmation of reasonable 50% clean energy uses by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transaction. Elon Musk ने कहा है,
ये बिल्कुल गलत है। उनके पास जितनी भी BTC क्रिप्टो करेंसी है उसका सिर्फ 10% ही उन्होंने सेल किया है, वो भी मार्केट को बिना मूव किए। अगर माइनर्स ये कंफर्म करते हैं कि वो 50% क्लीन एनर्जी का यूज़ करेंगे तो वो फिर से बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ रिसेंटली एलन मस्क ने BTC माइनर्स को भी इन्वाइट किया है मीटिंग के लिए, ताकि वो क्लीन एनर्जी के इस आइडिया को उनके सामने रख सके। तो ये थी दोस्तों क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़। अब देखते इस न्यूज़ के आने के बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ा है मार्केट पे। तो चलिए बिटकॉइन के चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों। तो ये न्यूज़ दोस्तों कल नाइट में आई थी, तो इसके बाद देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड आया है और बिटकॉइन का प्राइस $36,000 से लगभग $40,000 के आसपास पहुंच चुका है और ये अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एलन मस्क के एक ट्वीट से बिटकॉइन के प्राइस में कितनी वोलेटिलिटी आती है। वैसे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि $40,000 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों बिटकॉइन का। ये देखिए दोस्तों 40,000 से 42,000 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस रेंज है बिटकॉइन का लेकर। ये कंफर्टेबली इसको ब्रेक करके ऊपर स्टे करता है 40,000 के ऊपर, तो ये बिटकॉइन के चार्ट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।